सुप्रभात दोस्तों तो ये हमने जो लेक्चर लिया है ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सटेंडेड पार्ट पे लिया है इसको आप ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंडेड पार्ट कह सकते हैं जिसके ऊपर मैं ये लेक्चर देने जा रहा हूँ और आपकी क्लास टेंथ में ये एक्सटेंडेड पार्ट या मैं ये कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के वर्ल्ड प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम जिसे हम हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं उसके ऊपर ये आपका लेक्चर है तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमें इसमें हाइट और डिस्टेंस निकालना है अब किस चीज़ का निकालना है और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कैसे होता है ये चीज़ पहले हम समझते हैं हमें मालूम है कि रियल लाइफ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ सन रेज जो भी चीज़ आती है सब एक दूसरे के वर्टिकल आती है ठीक है या हमारे ज़मीन के ऊपर अगर कोई टावर खड़ा है तो इसका मतलब वो भी परपेंडिकुलर खड़ा है कोई सन रेज आपकी आ रही है तो वो भी परपेंडिकुलर आ रही है ठीक है इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं बोलूं कि एक टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है ठीक है तो वो भी उसके परपेंडिकुलर या सीधी लाइन में है, ठीक है तो आप देख रहे हैं कि कुल मिला के सारी चीज़ें जो रियल लाइफ में होती हैं सब में एक सरफेस दूसरे सरफेस के परपेंडिकुलर होती है अब हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वहीं लगती है जहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रेंगल मिले ये चीज़ हमने पहले पढ़ चुकी है तो राइट एंगल ट्रेंगल अगर आपको मिल जाएगा तो राइट एंगल ट्रेंगल की तीनों साइड निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले एक फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है इसका मतलब अगर कोई लेंथ आपको यहाँ पे 25 दे दे यहाँ पे 20 दे दे और आपसे कोई बोले बी सी की लेंथ निकालो तो आप करते थे ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी का स्क्वायर इसको एक्स मान लेता हूँ प्लस एक्स स्क्वायर तो आपको मालूम है ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर छः सौ पच्चीस और चार सौ तो आपको कितना मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर हो गया छः सौ पच्चीस ट्वेंटी का स्क्वायर हो गया चार सौ दो सौ पच्चीस आ गया किस वैल्यू एक्स स्क्वायर की तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी पंद्रह क्योंकि पंद्रह का स्क्वायर ही आपका दो सौ पच्चीस होता है तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि मुझे कहीं पे भी राइट एंगल ट्रेंगल मिलता है तो उसके अंदर पहली बात मेरी समझेगा उसके अंदर अगर आपको दो साइड दी हुई है कोई भी दो साइड अगर दी हुई है और आपको तीसरी साइड निकालनी है मान लीजिए मेरी ये तीसरी साइड एच है तो मुझे मालूम है नब्बे के सामने वाली साइड मेरी क्या होती है हाइपोटेस ठीक है तो इसका मतलब आपके एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है और आपसे कोई एच की वैल्यू पूछेगा तो आप बोलोगे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि राइट एंगल ट्रेंगल में पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम ठीक है और पाइथागोरस थ्योरम आपको ये कहा कि आपको एच पी और बी इसका मतलब हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस इनके बीच में से अगर कोई भी दो चीज़ आपको पता है तो आपको तीसरी चीज़ आराम से पता चल जाएगी कैसे जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरेस लगता है अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्री की ध्यान से समझिएगा ट्रिग्नोमेट्री की मैंने बोला मैंने बोला आपको कि हमें एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है ठीक है और इस राइट एंगल ट्रेंगल में हमें कोई एक एंगल भी दिया हुआ है मान लीजिए ये एंगल दिया है मुझे तीस ठीक है तो किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर आपको एक नब्बे के अलावा एक एंगल दे दिया तो इसका मतलब आपको सारे एंगल पता चल गए एक सौ अस्सी में से आप नब्बे और तीस जोड़ के घटा देंगे तो वो आपको साठ पता चल जाएगा मतलब आपको ये जानकारी हो गई कि राइट एंगल ट्रेंगल में अगर नब्बे के अलावा एक भी एंगल और दे दिया तो मुझे सारे एंगल पता चल जाएंगे दूसरी चीज़ अगर मुझे राइट एंगल ट्रेंगल में एक एंगल दे दिया और एक कोई भी साइड दे दी मान लीजिए मैंने आपको ये साइड दे दी बारह ठीक है और दूसरी बार में मैंने यही राइट एंगल ट्रैंगल लिया है और ये साइड दे दी मैंने आपको पंद्रह ठीक अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे मान लीजिए मैं इनके नाम भी रख देता हूँ ए बी सी ठीक है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे ए बी की लेंथ बताओ ए बी की लेंथ बताओ अब देखिए आपको इस राइट एंगल ट्रेंगल में एक बारह के अलावा दोनों आपको अननोन मिल रहे हैं ए बी और ए सी की लेंथ आपको पता नहीं है ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे एक राइट एंगल ट्रेंगल में एक भी एंगल ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू मुझे पता है जैसे तीस की हमने सारे पढ़े हैं साइन भी पढ़ा है कॉस भी पढ़ा है तो इसका मतलब इस तीस की और इस बारह की मदद से मैं ये दोनों चीज़ निकालूंगा तो देखिए आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए क्या है ये ये आपको तीस दिया है ये बारह दिया है और मैंने बोला था ये वाली लेंथ निकालनी है तो मैं इसे एक्स मान लेता हूँ ठीक है अब आपको मालूम है एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया था ठीक है ये फार्मूला आपको मालूम है जिसमें आपका पहला वाला जो है वो साइन के लिए होता था दूसरा वाला जो है वो कॉस के लिए होता था और तीसरा वाला जो है वो टेन के लिए होता था जिसमें पी आपका परपेंडिकुलर है एच आपका हाइपोटेन्यूस है और बी बेस है अब देखिए हमें मालूम है नब्बे के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस इस थर्ट्टी के सामने वाली ये साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर और इस थर्ट्टी का बचा हुआ क्या हो गया बेस थट्टी के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ इस तीस के रिस्पेक्ट में अब हमें मालूम है इस थर्ट्टी के लिए परपेंडिकुलर मेरा क्या है बारह और बेस मेरा क्या है एक्स और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कोई एक रिलेशन होना चाहिए हम देख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमें रिलेशन कौन देता है टेन तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके टेन थर्टी की वैल्यू किसके बराबर होगी परपेंडिकुलर मेरा कितना है बारह और बेस मेरा कितना है एक्स कोई दिक्कत तो आपको अगर टेन थर्टी इक्वल टू ट्वेल्व बाई एक्स है टेन थर्टी इक्वल टू ट्वेल्व बाई एक्स है तो आपके टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए वन बाय रूट थ्री इक्वल टू ट्वेल्व बाय एक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेल्व रूट थ्री कोई दिक्कत आपको यहाँ तक अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ अब आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है ये आपको तीस दिया हुआ है और ये आपको सौ दिया हुआ है ठीक है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको इस बार वैल्यू निकालनी है इसकी ठीक है तो आप देख रहे हैं कि ठट्टी के सामने वाली साइड ये तो हो गई मेरी परपेंडिकुलर और नब्बे के सामने वाली ये साइड हो गई मेरी हाइपोटेन्यूस तो मुझे हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी दे रखी है सौ और मुझे निकालना क्या है परपेंडिकुलर तो पी अपॉन एच मुझे कौन देता है साइन देता है पी अपोन एच मुझे कौन देता है साइन तो इसका मतलब यहाँ पे साइन थट्टी इक्वल टू मेरा पी कितना है एक्स और मेरा एच कितना है सौ कोई दिक्कत साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है वन बाई टू तो यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टी इस वाले से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टी तो आपको दो चीज़ इस हाइट एंड डिस्टेंस में समझनी है कि अगर मुझे कोई भी राइट एंगल ट्रैंगल दिखता है और वो मुझे कहीं से भी दिखे सबसे पहले मुझे राइट एंगल ट्रेंगल ढूँढना है और उस राइट एंगल ट्रेंगल में अगर मुझे एक भी एंगल और पता है और एक इन तीनों में से कोई भी एक साइड पता है तो मैं सारी साइडें निकाल सकता हूँ जैसे यही क्वेश्चन है मुझे ये तीन दिया हुआ है और अब मुझसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू पता करो तो आप देख रहे हो कि ये जो सिक्सटी है इसके सामने ये तो हो गया परपेंडिकुलर नब्बे के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूस और ये बेस हो गया मेरा तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुल मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है और मुझे बेस दिया हुआ है तो बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन कौन देता है कॉस तो इसका मतलब आप लिखेंगे कॉस सिक्सटी इक्वल टू बेस मेरे पास कितना है तीन और हाइपोटेन्यूस मेरे पास कितना है एक्स कोई दिक्कत कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी छः कोई दिक्कत आपको यहाँ तक तो यही आपका हाइट एंड डिस्टेंस है जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है ठीक है दूसरी चीज आप ये समझिए अगर कोई बंदा कोई आदमी ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखता है अगर कोई बंदा ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखता है अपनी आँख से तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ के देखने को हम लोग क्या कहते हैं एलिवेशन क्या कहते हैं एलिवेशन एलिवेशन एलिवेटर समझते हो आप ऊपर की तरफ जाता है एलिवेटर वही और अगर ये बंदा नीचे की तरफ देखता है मतलब ये कहीं खड़ा हो और नीचे की तरफ देख रहा हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं डिप्रेशन क्या कहते हैं डिप्रेशन तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मैं अगर कहीं ऊपर किसी टावर पर खड़ा हूँ मैं ऊपर अगर किसी टावर पर खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पे कोई एक कार दिख रही है जो इसकी तरफ चल रही है किसकी तरफ बिल्डिंग की तरफ तो कार हमेशा बिल्डिंग की तरफ चल रही है और जब मैं टावर से इसको देखता हूँ नीचे की तरफ़ तो इसको मैं बोलूँगा जब भी भी नीचे की तरफ़ देखते हैं तो वहाँ पे लिखा रहेगा एंगल ऑफ़ डिप्रेशन क्या लिखा रहेगा एंगल ऑफ़ डिप्रेशन तो इसका मतलब आप नीचे की तरफ देखें ठीक है ये रहा मेरा नीचे की तरफ आप नीचे की तरफ देख रहे हैं अब हमें अगर हम यहाँ पे खड़े हैं हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम जहाँ पे भी खड़े रहेंगे वहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे एक सरफेस लाइन खींचेंगे ठीक है और अब मैं वो आपको बोलेगा कि मैं अगर 50 मीटर टावर के ऊपर खड़ा हूँ तो ये मेरा 50 मीटर हो गया और उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और वहाँ से मैं एक कार जो टावर की तरफ जा रही है टावर की तरफ जा रही है मतलब टावर की तरफ़ जा रही है और आपका ये टावर अगर इस सरफेस के ऊपर खड़ा है तो परपेंडिकुलर खड़ा होगा और ये बोल रहा है कि जब मैं गाड़ी जो मेरी टावर की तरफ़ जा रही है उसको देखता हूँ नीचे की तरफ़ तो मुझे उसका एंगल ऑफ़ डिप्रेशन मिलता है साठ तो इसका मतलब आपका ये साठ होगा और आपको मालूम है कि ये पैरल लाइन होती है तो ये भी आपका साठ हो जाएगा अल्टरनेट एंगल की वजह से मेरी बात समझ में आई नहीं समझ में आई तो आप एक बार इसे फिर देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक सरफेस पे एक सरफेस पे एक टावर खड़ा है ठीक है एक सरफेस पे एक टावर खड़ा है और उस टावर की हाइट है सौ मीटर ठीक है और कोई बंदा कोई आदमी जो टावर से बीस मीटर की दूरी पे है जो टावर से 20 मीटर की दूरी पे है तो ये मेरा टावर हो गया और टावर से 20 मीटर की दूरी पे कोई आदमी खड़ा है ठीक है तो ये पूछ रहा है कि अगर मेरा टावर 100 मीटर का है और मैं उससे 20 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ तो मैं कितने एंगल ऑफ़ एलिवेशन से टावर का टॉप देखूँगा तो टावर का टॉप क्या है ये और एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना तो ये पूछ रहा है कि ये वाला थीटा कितना होगा समझ गए आप मेरी बात ये पूछ रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा अगर मैं सौ मीटर के टावर से बीस मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ ठीक है तो आपको मालूम है कि इस थीटा के लिए ये है मेरा परपेंडिकुलर नब्बे के सामने ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस और ये हो गया मेरा बेस कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो आपको पता चला कि मुझे परपेंडिकुलर दिया गया है सौ और बेस दिया गया है मुझे बीस और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है टेन थीटा तो आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू हंड्रेड बाई ट्वेंटी कितना हो जाएगा पचास परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो आपको पचास मिल जाएगा इसका मतलब मेरी बात समझिएगा टेन थीटा इक्वल टू पचास आपका आंसर आ गया तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी तो आपको मालूम है ये टेन थीटा मुझे हटाना होगा मेरी बात समझिएगा अगर आपको साइन थीटा वन बाय टू दिया जाता है तो आप थीटा को बोलते हो थट्टी और आपको मालूम है साइन थट्टी की वैल्यू वन बाय टू होती है अगर मुझे टेन थीटा पाँच पचास आया है मेरा तो इसका मतलब मेरे थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स फिफ्टी रही होगी ठीक है तभी आपको पचास मिलेगा क्योंकि ये टेन इनवर्स से ये वाला टेन कट जाएगा समझे आप नहीं समझे तो देखिए लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा तो आप बोलोगे इसका आंसर होता है थीटा क्योंकि साइन इनवर्स से साइन आपका कट जाएगा कोई आपको बोले टेन ऑफ टेन इनवर्स थीटा तो आप बोलोगे टेन इनवर्स या टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा थीटा आ जाएगा तो आपको अगर टेन थीटा इक्वल टू फिफ्टी दिया गया है तो आपके थीटा की वैल्यू कितनी होगी टेन इनवर्स फिफ्टी कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आया जब भी, भी आप डिप्रेशन दिखाएंगे तो डिप्रेशन में आप समझिएगा जब भी भी आप डिप्रेशन दिखाएंगे तो डिप्रेशन जैसे यहाँ पे आप यहाँ से देख रहे हैं और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं तो जहाँ से बंदा देखता है वहाँ से एक लाइन जाती है जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अब वो यहाँ पे दो आदमी खड़े हैं ए और बी ठीक है और ये इनको देख रहा है तो नीचे की तरफ देख रहा है तो ये दोनों एंगल होंगे आपके एंगल ऑफ़ डिप्रेशन तो मैं बोल रहा हूँ ए के लिए तीस है और बी के लिए साठ है क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इसका मतलब अगर ए के लिए तीस है तो ये तीस रहा होगा तो ये तीस रहा होगा और बी के लिए साठ है तो इसका मतलब ये वाला पूरा साठ रहा होगा और आपको मालूम है ये लाइन ऐसे जारी है तो ये आपका साठ होगा कोई दिक्कत और आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि हमें पूरे क्वेश्चन में हमेशा राइट एंगल ट्रैंगल ढूंढना है जैसे मैं आपको ये दिया ठीक है और मैंने बोला कि एक सौ मीटर का पेड़ खड़ा है ठीक है जिस जो एक जिसके नीचे एक नदी बह रही है ठीक है और इस नदी के दो किनारे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे ही बनता है सौ मीटर का एक पेड़ खड़ा है और उसके नीचे एक नदी बह रही है तो नदी अगर बह रही है तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा ये उसके नीचे एक नदी बह रही है और नदी के दोनों किनारे हैं ठीक है और दोनों किनारों से जब हम ट्री का टॉप देखते हैं तो हमें एक से तीस मिलता है और एक से साठ मिलता है एंगल ऑफ एलिवेशन <coughs> मतलब आप यहाँ पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एलिवेशन होगा मेरी बात समझ में आई आपके पास एक सौ मीटर का पेड़ है वो किसी मतलब कि एक बेस पे खड़ा है या उसके नीचे एक नदी बह रही है और उस नदी के दो किनारे हैं ठीक है उस नदी के दो किनारे हैं और दोनों किनारों से जब आदमी टावर का टॉप देखता है तो पहले वाले किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी मिलता है और दूसरे वाले किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन साठ मिलता है ठीक है मेरी बात समझ में आई तो वो आपसे पूछ रहा है विथ ऑफ द रिवर वो आपसे पूछ रहा है विट्स ऑफ द रिवर तो विथ ऑफ द रिवर मेरी क्या होगी ये है मेरी रिवर ठीक है तो इसी की मुझे विथ निकालनी है तो देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बदल गया ध्यान से देखिएगा ये तीस है ये साठ है ये सौ है और हमें मान लीजिए ये ए बी सी डी दिया हुआ है और मुझे लेंथ किसकी निकालनी है बी सी की विड्स ऑफ द रिवर और ये मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है ठीक है अब मुझे मालूम है बी सी किसके बराबर है बी डी प्लस डी सी के तो मैंने क्या किया मैंने बी डी को एक्स मान लिया और डी सी को वाई तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स प्लस वाई की। और मैंने इसे ऐसा क्यों माना क्योंकि मुझे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है और मुझे दोनों में साठ सौ और इसमें सौ और एक्स दिख रहा है तो देखिए मेरा क्वेश्चन सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्रेंगल ए बी डी जब आप ट्रेंगल ए बी डी लोगे तो आपको देखो तीस के सामने वाली साइड पता है सौ और आपको बेस पता नहीं है एक्स तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है टेन तो ट्रेंगल ए बी डी में आपके टेन थर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हंड्रेड अपॉन एक्स ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं इसी तरीके से इसी तरीके से आपको टेन थर्टी से टेन थर्टी से आपको क्या मिल गया हंड्रेड अपॉन एक्स अब आइए आप टेन सिक्सटी पे तो टेन सिक्सटी से आपको क्या मिल जाएगा हंड्रेड अपॉन वाई और इस बार आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे मान लीजिए ये ए बी सी डी लिखा हुआ था तो या इस बार आपने जो ट्रायंगल लिया वो कौन सा लिया ट्रायंगल ए डी सी तो ट्रायंगल ए डी सी में साठ के सामने अगर मैं टेन ले रहा हूँ तो ये मेरा होगा परपेंडिकुलर और ये होगा मेरा बेस तो 60 के सामने 100 देखिए मुझे परपेंडिकुलर मिल रहा है ट्रेंगल ए में और ट्रेंगल ए में वाई मुझे कितना मिल रहा है बेस ठीक है अब आपके सामने दोनों चीज़ आ गई है आपका आंसर आ गया देखिए टेन थर्टी को आप लिख सकते हैं वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू हंड्रेड अपॉन एक्स तो यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हंड्रेड रूट थ्री एक्स की वैल्यू आ गई और टेन सिक्सटी की वैल्यू हंड्रेड बाय वाई दे रखी है टेन सिक्सटी की वैल्यू हमने जो निकाली वो हंड्रेड बाय वाई निकाली है टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री ठीक है तो आपका रूट थ्री किसके बराबर हो गया हंड्रेड बाय वाई के तो वाई की वैल्यू किसके बराबर हो गई हंड्रेड अपॉन रूट थ्री यहाँ तक कोई दिक्कत आपको और हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हंड्रेड रूट थ्री तो हमारी विट्स ऑफ द रिवर कितनी हो जाएगी हमारी विट्स ऑफ द रिवर हो जाएगी एक्स प्लस वाई तो हमारा एक्स कितना था हंड्रेड रूट थ्री और मेरा वाई कितना था हंड्रेड बाई रूट थ्री तो आप देखेंगे हंड्रेड कॉमन निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ये ठीक है तो यही सब क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं और यही आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस है आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपको समझ में सब आ जाएगा देखिए इन्होंने बोला एक एब्ज़ॉर्बर है वो 1.5 मीटर टॉल है तो इसका मतलब ये रहा मेरा एब्ज़ॉर्बर और ये मेरा कितना बड़ा है 1.5 मीटर टॉल है इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर और आपके पास कोई टावर है जिससे वो कितनी दूरी पे है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव की दूरी पे, है ठीक है और इसने बोला द एंगल ऑफ़ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज़ अब बंदा अगर वन पॉइंट फाइव मीटर टाल टॉल है तो उसकी आँख यहाँ पे होगी तो उसकी आँख से एंगल ऑफ़ एलिवेशन किसका टावर के टॉप का टावर का टॉप ये है तो ये हो गया मेरा पैंतालीस दे रखा है अब मुझे बताइए ये पैंतालीस कौन सा है तो मैंने आपको बताया अगर मेरी आँख इधर है तो यहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींचूँगा और ये होगा मेरा पैंतालीस और ये देखिए मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ कोई दिक्कत डायग्राम आपका बन गया ये परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है आपको मालूम है और ये भी परपेंडिकुलर है आपको दिख रहा है अब इसने बोला हाइट ऑफ द टावर निकालो तो मेरी टावर की हाइट मेरे ख्याल से कुछ ये है ठीक है तो आप देख रहे हैं अगर ये लाइन यहाँ पे और यहाँ पे है और इसके बीच का ये डिस्टेंस 1.5 है तो ये भी आपका 1.5 हो जाएगा ठीक है क्योंकि सारी चीज़ परपेंडिकुलर है तो ये जो डिस्टेंस होगी वही ये भी हो जाएगी अब देखिए मीटर मीटर में है सब अगर सा हमें यूनिट देखते रहना है कि कैसे यूनिट लगी हुई है तो यहाँ पे सारी चीज़ मीटर में है इसीलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ ठीक है आगे देखिए हमें मालूम है अगर ये ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव है तो हमारा ये भी ट्वेंटी एट पॉइंट फ़ाइव होगा इतनी लेंथ कोई दिक्कत आपको यहाँ तक अब मुझे पूरे टावर की हाइट के लिए केवल ये वाली लेंथ बची है तो मैं क्या करता हूँ मैं ये वाला ट्रैंगल उठा लेता हूँ देख रहे हैं आप ये वाला ट्रेंगल मैंने उठा लिया और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो देखिए जब मैंने ये वाला ट्रेंगल उठाया बाहर की तरफ़ तो मैं देख रहा हूँ ये मुझे पैंतालीस दिया हुआ है और ये मुझे ट्वेंटी एट पॉइंट फ़ाइव दिया हुआ है और मुझे मान लीजिए ये निकालना है एक्स तो मैंने इसको क्या मान लिया एक्स कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब आप देख रहे हैं मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है और ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मुझे दिया गया है और पैंतालीस मुझे दिया गया है तो मैं देख रहा हूँ कि पैंतालीस के लिए एक्स मेरा परपेंडिकुलर है और ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मेरा बेस है पैंतालीस के लिए एक्स मेरा परपेंडिकुलर है और ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मेरा बेस है और ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मैंने क्यों लिया क्योंकि वो वैल्यू मैंने निकाली हुई है कौन से ट्रेंगल में अगर आपको ट्रेंगल समझना है तो देखिए मैं आपके लिए बड़ा बड़ा ट्रेंगल लिख देता हूँ ए बी सी हम इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं ये हमें एक्स दिया हुआ है ये हमें ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव दिया हुआ है और ये हमें पैंतालीस दिया हुआ है और यही यही वाला डायग्राम मैं ऊपर बना के आपको बता रहा हूँ ठीक है अब देखिए आपको अगर ये चीज़ पता चल गई कि ये पैंतालीस है ये ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव है और ये वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैंने देखा फोटी फ़ाइव के लिए ये चीज़ मेरी परपेंडिकुलर होगी और फोर्टी फाइव के लिए ये चीज़ मेरी बेस होगी ठीक है तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है टेन फोर्टी फाइव और टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी हो गई फोर्टी फाइव मैंने क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर फोर्टी फाइव दिया हुआ है परपेंडिकुलर कितना है एक्स और बेस कितना है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है तो वन को ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव में इंटू करेंगे तो आपको ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ तक कोई दिक्कत तो देखिए जो आपका डायग्राम है ये वन पॉइंट फाइव था ये वन पॉइंट फाइव था यह ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव था ये ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव था, यह था, यह था यहाँ पर हमें फोर्टी फाइव दिया हुआ था और मैंने आपको बताया कि इस ट्वेंटी और ये वाला ट्रायंगल हमने इस्तेमाल करके इस x की वैल्यू भी 28.5 निकाल ली ठीक है तो टावर की टोटल हाइट कितनी हो गई देखिए 1.5 ये और 28.5 ये तो 28.5 एट पॉइंट प्लस वन इक्वल टू थर्टी मीटर यही आपके क्वेश्चन हैं और देखिए बताइए इन क्वेश्चनों में कोई कठिनाई है आपको आपको बस ये देखना है कि मुझे कोई भी ऐसा ट्रेंगल मिल जाए कोई भी ऐसा एक राइट एंगल ट्रेंगल मिल जाए जिसमें मुझे कोई भी एक साइड और एक एंगल पता हो मेरा काम हो जाएगा ठीक है अब जैसे यही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके सामने बनाया और यहाँ पे मैंने टू लिखा हुआ है ये परपेंडिकुलर दिया है और आपसे कोई पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ तो यहाँ पे ये ए बी सी है एक्स की वैल्यू बताना मतलब ए बी पूछ रहा है आपसे तो आप देख रहे हैं कि थर्टी के सामने ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर नाइन्टी के सामने ये वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस तो बाकी बचा वाला ये क्या हो गया बेस ठीक है अब हमें परपेंडिकुलर तो निकालना नहीं है हमें x निकालना है और हाइपोटेन्यूस हमें दो दे रखा है तो हम क्या करेंगे हमें मालूम है हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है कॉस्ट थीटा तो हम लिखेंगे कॉस्ट थर्टी इक्वल टू बेस मेरा कितना है एक्स और हाइपोटेन्यूस मेरा कितना है टू कोई दिक्कत कॉस्ट थर्टी की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू इक्वल टू एक्स बाय टू आप देखेंगे टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री इसका मतलब आपके ए बी की लेंथ कितनी है रूट थ्री कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक है आइए अगले क्वेश्चन पे इन्होंने बोला एक इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट फोर मीटर उसको एक इलेक्ट्रीशियन है और उसे एक पोल दिया गया है और उस पोल की टोटल हाइट जो है वो चार है टोटल हाइट कितनी है चार ठीक है ही नीड्स टू रीच वन पॉइंट थ्री मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल ये बोल रहे हैं कि अगर ये मेरा पोल है तो पोल के नीचे ये मेरी सरफेस होगी और इन्होंने बोला कि उसको पूरे पोल के ऊपर नहीं उसका जो टॉप है उससे वन पॉइंट थ्री नीचे पे काम है उसे मतलब यहाँ पे कोई सप कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई खराब है या कोई बॉक्स है उसे उसे सही करना है तो टावर की जो पूरी हाइट है उसमें टॉप से 1.3 मीटर नीचे की तरफ पे उसे काम करना है तो अगर ये 1.3 हो गया टोटल हाइट चार है तो ये कितना हो जाएगा 2.7 ठीक है कोई दिक्कत अब देखिए उसने बोला व्हाट वुड बी लेंथ ऑफ द लेडर वाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शुड बी यूज टू इंक्लाइन वेट इंक्लाइन दैट ही शुड यूज़ विच वन इंक्लाइन टू सिक्सटी डिग्री अब उसे आप बताइए एक लेडर लगाना है तो लेडर आपका लेडर या सीढ़ी आप कैसे लगाते हैं मेरे ख्याल से लेडर या सीढ़ी आप ऐसे लगाते होंगे और इसके ऊपर फिर वो चढ़ेगा और यहाँ पर जाके वो अपना काम कर देगा अब आप बोलेंगे कि ये लेडर मैंने यहीं तक क्यों लगाई ये लेडर मैंने वन पॉइंट थ्री यहाँ से ये वाला क्यों नहीं लिया क्योंकि हमें यहाँ पे काम नहीं है उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि टावर की पूरी हाइट से जो वन पॉइंट थ्री मीटर नीचे पे उसे काम है तो मैंने ये लेडर लगा दिया और इन्होंने बोला है कि जो लेडर है वो टावर से सिक्सटी डिग्री का कोण बनाता है टावर से सिक्सटी डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है तो ये आपका क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है वो कि लेडर की लेंथ कितनी होगी तो मेरे ख्याल से लेडर की लेंथ आपको पूछ रहा है जिसका तो मतलब वो ये वाली लेंथ पूछ रहा है ये वाली लेंथ आपसे पूछ, आप पूछ रहा है ये आपको साठ दिया हुआ है ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको दिख रहा है साफ साफ ठीक है ये आपको राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है कि नहीं कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल देखिए मैं नाम लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा ए बी सी ठीक है ये राइट एंगल ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ अब देखिए इसमें आपको एक एंगल और एक साइड पता है तो आप सारी चीज़ें निकाल लेंगे आपको निकालना क्या है ए सी लेडर की लेंथ तो लेडर की लेंथ को मैंने क्या मान लिया एक्स सिक्सटी के लिए इस सिक्सटी के लिए टू पॉइंट सेवन मेरा क्या है परपेंडिकुलर इस सिक्सटी के लिए एक्स मेरा क्या है हाइपोटेन्यूस मुझे बी से काम नहीं है मुझे टू पॉइंट सेवन और एक्स से काम है क्योंकि मुझे ए की लेंथ निकालनी है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन कौन देता है साइन थीटा तो इसका मतलब ये हो गया साइन सिक्सटी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है टू पॉइंट सेवन और मेरा हाइपोटेनिस कितना है एक्स कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं साइन सिक्सटी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है रूट थ्री बाय टू ठीक है इक्वल टू इसको मैं क्या कर देता हूँ ट्वेंटी सेवन बाय टेन एक्स मैंने टू पॉइंट सेवन को ट्वेंटी सेवन बाई टेन लिख दिया अब देखिए हमें लेटर की ही लेंथ पता करनी है मतलब मेरे को एक्स आ जाएगा मेरा वैल्यू तो मेरा आंसर आ जाएगा तो देखिए आपके पास आया रूट थ्री बाई टू इक्वल टू टू पॉइंट सेवन अपॉन एक्स ये वैल्यू आई थी टू इंटू टू पॉइंट सेवन करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको फाइव पॉइंट फोर मिल जाएगा ठीक है और रूट थ्री इन टू एक्स करेंगे तो आपको रूट थ्री एक्स मिल जाएगा आपको मालूम है मेरा आंसर कितना आ जाएगा फाइव पॉइंट फोर अपॉन रूट थ्री ये आंसर आपका गलत नहीं है लेकिन आंसर आपको हमेशा ऐसा निकालना होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर रहे उसके नीचे कोई इरेशनल नंबर ना रहे तो आप क्या करेंगे जो ये फ़ाइव पॉइंट फोर अपॉन रूट थ्री आपको दिया हुआ है इसमें आप रूट थ्री का इंटू नीचे और रूट थ्री का इंटू ऊपर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फाइव पॉइंट फोर रूट थ्री अपॉन थ्री ठीक है और यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वन पॉइंट एट रूट थ्री कोई दिक्कत तो आपका आंसर आ गया तो एक चीज़ आपको और समझनी है कभी कभार आपके आंसर ऐसे निकल के आएंगे ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री प्लस वन कभी ऐसे निकल के आएंगे कभी आएगा फोर्टी अपॉन रूट थ्री ऐसा आंसर आएगा कभी आएगा आपके पास आंसर वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन तो जब भी डिनोमिनेटर भी में आपके रूट आने लगे तब आपको करना क्या है कुछ भी नहीं एक बार रूट थ्री माइनस वन का इसमें इंटू नीचे एक बार ऊपर इसमें रूट थ्री प्लस वन का एक बार इंटू नीचे एक बार ऊपर और इसमें एक बार रूट थ्री का इंटू नीचे और एक बार ऊपर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब अब आप नीचे को ध्यान देंगे तो आपको नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी मिल रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया थ्री वन का स्क्वायर कितना हो गया वन थ्री माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई टू ठीक है यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा ए माइनस बी ए प्लस बी डिनोमिनेटर में कितना मिल गया टू यहाँ पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री से डिनोमिनेटर में कितना मिल गया थ्री तो इसका मतलब आपके पहले वाले का जो आंसर आएगा ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री प्लस वन उसमें आप देख रहे हो ट्वेंटी तो रहेगा ही और ये रूट थ्री माइनस वन इंटू हो जाएगा और आपका डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा टू और ये टू जो है ये ट्वेंटी को काट देगा आपका आंसर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको निकाल कर ही दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ही ख़त्म हो जाए इंटू रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री प्लस वन आपने कर दिया अब मुझे मालूम है ये बीस को रूट थ्री प्लस वन में पूरा इंटू करना है तो मैं लिखूँगा ट्वेंटी इंटू रूट थ्री प्लस वन और नीचे मेरे को मालूम है ए माइनस भी ए प्लस भी पूरा इंटू करना है तो यहाँ से मुझे टू मिल गया अब मुझे मालूम है ये चीज़ पूरा ब्रैकेट में इसके साथ इंटू में है तो इस टू से यह ट्वेंटी कट सकता है टेन आ गया आपका आंसर आ गया टेन ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन कोई दिक्कत इसी तरीके से अगर आपको दिया था नाइन बाई फाइव रूट थ्री मान लो ये दिया है आपको तो आपको मालूम है यहाँ पे फाइव से नहीं आपको रूट से काम है रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो आपको क्या मिल गया नाइन इंटू रूट थ्री कितना हो गया नाइन रूट थ्री और फाइव थ्री जा फिफ्टीन रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री और फाइव थ्री जा फिफ्टीन आपका आंसर आ गया दूसरा कभी कभार वो आपको एग्ज़ाम में पहले से ही दे देगा कि रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर होती है और रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री होती है तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए अगर एग्जाम में ना दी हो क्योंकि आपका आंसर जैसे हंड्रेड रूट थ्री निकला तो ऑप्शन में अगर ये आंसर नहीं होगा तब आपको हंड्रेड में वन पॉइंट सेवन थ्री का इंटू करना होगा और अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे तो वन पॉइंट सेवन थ्री में अगर आप हंड्रेड का इंटू करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा वन सेवेंटी थ्री इसी तरीके से कभी कभार वो आपको दे देगा ट्वेंटी रूट थ्री माइनस वन इसका आंसर निकालो तो आपको मालूम है ये आंसर तो आया ही है रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सेवन थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री में से वन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन थ्री तो आपको टू थ्री या सिक्स टू सेवन या फोर्टीन आपको आंसर कितना मिला फोर्टीन पॉइंट सिक्स समझ गए आप अगले क्वेश्चन पर आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फोर्टी मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर आपको बोला कि आपके पास एक टावर है ठीक है और उस टावर से चालीस मीटर की दूरी पे हो आप ठीक है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फोर्टी मीटर अवे फ्रॉम द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थर्टी डिग्री जब चालीस मीटर की आप दूरी पे हो तब वहाँ से आपके टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है थर्टी डिग्री एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ़ देखना इसका मतलब बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है ठीक है आगे देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर आपका जो ये टावर है इसके ऊपर एक वाटर टैंक लगा हुआ है ठीक है एक वाटर टैंक लगा हुआ है और ये बोल रहा है कि उस वाटर टैंक का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पैंतालीस है तो इसका मतलब वाटर टैंक का टॉप ये है और देखने वाला बंदा यही है तो इसका मतलब आपकी कुछ लाइन ये जाएगी ठीक है और ये वाला एंगल ऑफ़ एलिवेशन कितना दे रखा है पैंतालीस तो वो आपसे पूछ रहा है टावर की हाइट और टैंक की हाइट बताओ तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपका डायग्राम क्या कह रहा है देखिए ए बी सी इन्होंने बोला मैंने बोला कि बी सी मेरी टावर की हाइट है एच और ए भी मेरी टैंक की हाइट है तो टैंक की हाइट को मैं ले लेता हूँ टी कोई दिक्कत है आपको कोई दिक्कत नहीं टैंक की हाइट को मैंने टी ले लिया और टावर की हाइट को मैंने एच ठीक है आगे देखिए इन्होंने बोला कि टावर का टॉप जो है वो आदमी जो चालीस मीटर की दूरी पे है वो जब उसे देखता है तो उसे तीस डिग्री का कोण मिलता है एंगल ऑफ एलिवेशन और जो टैंक लगा हुआ है उस टैंक के टॉप को देखता है तो उसे मिलता है पैंतालीस डिग्री का एलिवेशन ठीक है ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये ए बी सी और डी ठीक है ये आपको दिया हुआ है अब आपको उन्होंने बोला कि टावर की हाइट और टैंक की हाइट इसका मतलब आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी है जो टैंक की डेप्थ होगी और बी सी जो निकालेंगे वो होगी आपकी हाइट ऑफ दी टावर तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया देखिए क्वेश्चन क्या हो गया ठीक है हमें मालूम है कि टावर अगर खड़ा है तो ये नब्बे होगा अब मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि आपको वो चीज़ देखनी है कि मेरे राइट एंगल ट्रेंगल कौन कौन से हैं तो आप देख रहे हैं एक आपको ट्रेंगल बी डी सी मिल रहा है और एक ट्राइंगल ए डी सी मिल रहा है ट्रेंगल ए डी सी पैंतालीस डिग्री वाले के लिए मिल रहा है और ट्रेंगल बी डी सी तीस डिग्री वाले के लिए मिल रहा है ठीक है तो मैं दोनों से रिलेशन निकालूँगा और मुझे एक वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है चालीस ये वैल्यू मुझे दे रखी है अब सबसे पहले मैंने किसका इस्तेमाल किया बी का ध्यान से समझिएगा बी में साइन थर्टी अगर मेरी बात समझिएगा बी में मुझे बी सी ध्यान से समझिएगा मैं इसको निकाल ही देता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए बी सी और डी और यहाँ पे मुझे ये तीस दे रखा है ठीक है और ये लेंथ मुझे चालीस दे रखी है तो मुझे बी की लेंथ पता करनी है तो मेरा काम बी के ऊपर होना चाहिए बी को मान लेता हूँ मैं एक्स अब देखिए थर्टी के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर नब्बे के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस और जो ये चालीस दिया हुआ है ये बचा वाला क्या हो गया मेरा बेस तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन देना है तीस की माध्यम से तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है टेन तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका किस में चेंज हो गया देखिए हमने इस तीस की मदद से ये जो हमें बी सी मिला था और यहाँ पे हमें डी मिला था और ये चालीस मिला था और ये मुझे निकालना था ठीक है तो देखिए साइन थर्टी की वैल्यू कितनी हमें परपेंडिकुलर एक्स मिला और ये बेस मिल गया तो मैंने टेन बताया था तो टेन थर्टी लिखोगे आप इक्वल टू एक्स अपॉन फोर्टी ठीक है और आप ऊपर उसको बताओगे भी कि आपने कौन सा ट्रेंगल लिया है ठीक है टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एक्स अपॉन फोर्टी ठीक है तो आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी अपॉन रूट थ्री इसका मतलब आपके टावर की हाइट कितनी है फोर्टी अपॉन रूट थ्री देखिए अब आपका क्वेश्चन कैसे बदला है और उसमें क्या क्या सुधार हुआ यह चालीस था यह बी यह सी ये डी और ये ए और हमने बी की लेंथ कितनी निकाल ली थी फोर्टी अपॉन रूट थ्री कौन से ट्रेंगल से इस वाले ट्रेंगल की मदद से ट्रेंगल बी की मदद से अब मुझे चाहिए टैंक की हाइट इसकी हाइट टैंक की हाइट टैंक की हाइट कितनी है ए बी और मेरे पास ट्रेंगल अब कौन सा लेना होगा मेरे को मालूम है हमेशा मुझे राइट एंगल ट्रेंगल लेना होगा तो मैं लेता हूँ इस बार ट्रायंगल ए डी सी ध्यान से समझिएगा ये ट्रायंगल हो गया अब मुझे मालूम है कि टावर का जो मतलब टैंक था उसके टॉप को ये बंदा 45 डिग्री से देख रहा था तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल मेरा कितना है 45 ठीक है और छोटे वाले का तीस था जो मैंने बी लिया था यहाँ तक कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब मैं इसको निकाल ही देता हूँ देखिए ए बी आपका एक्स मान लेता हूँ इसको और ये मुझे चालीस बटा रूट थ्री दे रखा है और ये मुझे चालीस दे रखा है डायग्राम इसी के आगे बना रहा हूँ कागज़ कलम ले के साथ में बैठे बैठे अगर आप बैठे होंगे तो आपको अभी तक आंसर आ चुका होता आप मुझे बोलते कि सर आप करोगे क्या आप एक ट्रैंगल ऐसे करके निकालोगे यहाँ पे आप 45 लिख दोगे और यहाँ पे ये मुझे एक्स दे रखा था ये मेरा 40 बटा रूट थ्री आया था और ये मेरा 40 आया आप ये वाला ट्रैंगल ले लोगे ए में अब आप एक्स की वैल्यू इससे निकाल दोगे तो देखिए आपका डायग्राम और आंसर कैसे निकलता है ये हो गया पैंतालीस और यहाँ पे मुझे x और फोर्टी अपॉन रूट थ्री दिया हुआ था और ये मुझे कितना दे रखा था चालीस ठीक और यहाँ पे मेरा नाम दिया है ए डी सी अब मुझे मालूम है कि मुझे ए डी से तो कुछ काम है ही नहीं मुझे काम केवल ए सी और सी डी से है तो पैंतालीस के लिए ए सी मेरा परपेंडिकुलर है और सी डी मेरा बेस है और नब्बे के सामने वाला ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है टेन तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है वन और टेन फोर्टी फाइव का परपेंडिकुलर क्या है एक्स प्लस फोर्टी अपॉन रूट थ्री और टेन फोर्टी फाइव का बेस क्या है फोर्टी देखो ये पूरी लेंथ एक्स प्लस फोर्टी अपॉन रूट थ्री होगी क्योंकि हमें पूरा ए सी लेना है परपेंडिकुलर अगर हम ये वाला ट्रैंगल ले रहे हैं तो, तो ए सी की पूरी लेंथ कितनी होगी एक्स प्लस फोर्टी अपॉन रूट थ्री कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब आप देख रहे हैं इक्वल टू है यहाँ पे वन दिया है तो ये चालीस का इंटू इधर हो जाएगा और आपको चालीस इक्वल टू एक्स प्लस फोर्टी अपॉन रूट थ्री मिल जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत अब आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे टैंक की हाइट निकालनी है तो आपका फोर्टी इक्वल टू एक्स प्लस फोर्टी अपॉन रूट थ्री था तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी माइनस फोटी अपॉन रूट थ्री और आप देख रहे हैं कि इसमें से जब आप चालीस कॉमन निकालेंगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा वन माइनस वन बाय रूट थ्री इतना करके आप आंसर छोड़ देंगे तो आपने देखा किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं मैं एक लेक्चर और लाऊंगा जिसमें ये पीडीएफ हम पूरी ख़त्म कर देंगे ठीक है तो आपका काम बस इतना ही है कि जो ये लेक्चर बना है इसको देखने के बाद ही दूसरे लेक्चर की तरफ आप जाएं तब आपको फ़ायदा करेगा ठीक है जाने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं देखिए इन्होंने बोला अ पर्सन अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एब्जॉर्व द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज सिक्सटी डिग्री ठीक है मेरी बात ध्यान से समझिएगा अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एब्जॉर्ब दैट एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक ही फाइंड दैट एंगल इज 30 डिग्री अब मेरी बात आप समझिए एक पहले मैं ये थर्टी और सिक्सटी का खेल आपको बताता हूँ अगर मेरा ये टावर खड़ा है और ये मेरा बेस है तो इसके जो सबसे नज़दीक वाले एंगल होंगे अगर ऐसे एंगल हैं तो सबसे मैक्सिमम एंगल आपका ये होगा उसके उससे कम ये उससे कम ये उससे कम ये आप जितना अपने टावर से दूर जाते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका एंगल छोटा होते जाएगा मतलब मतलब ये हो गया कि अगर ये आपका साठ है ये पैंतालीस होगा फिर ये तीस होगा और ये पंद्रह होगा कुछ इस टाइप से आपको चीज़ें मिलेंगी ठीक है तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक टावर आपका खड़ा है और दो आदमी खड़े हैं सरफेस पे अपने से दस मीटर की दूरी पे ठीक है और पहला वाला जो है वो आपको ऐसे दे देगा कि ए और बी ट्री के टॉप को तीस और साठ से देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बी से जो बनाएगा और जो ए से बनाएगा इसमें मेरा बी वाला मैक्सिमम होगा और ये वाला मेरा कम वाला होगा टावर से जितना दूर आप जाएंगे ये आपका टावर है इस टावर से जितना दूर आप जाएंगे, उतना आपका एंगल छोटा होते जाएगा तो अगर मेरी कोई लाइन इधर होती ये वाली अगर मेरी कोई लाइन होती तो ये साठ से बड़ी होती मान लीजिए ये सत्तर होती और अगर मेरी कोई लाइन इस साठ के आगे होती तो वो साठ से कम होती जो मैंने आपको दिखाया है तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा ये है कि एक आदमी है एक आदमी है आपके पास और एक ट्री खड़ा है आपका ठीक है और ट्री से यहाँ पे एक रिवर बह रही है इस रिवर के बैंक पे वो खड़ा है किनारे पे और इस किनारे से जब वो टॉप को देखता है तो उसे कितना मिलता है एंगल ऑफ एलिवेशन सिक्सटी का ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का मिलता है सिक्सटी का मेरी बात समझ में आ रही है मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ अब ये बोल रहा है कि अगर वो अपनी बैंक से बीस मीटर और पीछे खसक जाए तो इसका मतलब अगर मेरी ये नदी बह रही है और ये मेरा बैंक है तो इससे ये कितना खसक गया बीस मीटर खसक गया आगे की तरफ ठीक है अगर वो अपनी बैंक से बीस मीटर आगे की तरफ खसक जाए तब आपके ट्री का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ़ एलिवेशन तीस होगा तो इसका मतलब ये मेरा टॉप है और यहाँ पे वो पहुँच गया है तो मेरा अब एंगल ऑफ़ एलिवेशन कितना हो गया तीस हो गया और आप देख रहे हैं साठ आपका इस टावर के करीब है तो ये सामने होगा और तीस आगे ठीक अब ये पूछ क्या रहा है हाइट ऑफ द ट्री एंड ब्रेथ ऑफ द रिवर तो ये मेरे ख्याल से ये मेरे ट्री था तो ट्री की हाइट को मैं मान लेता हूँ एच ट्री की हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ एच और ब्रेथ ऑफ द रिवर इसको मैं क्या मान लेता हूँ बी तो आपको कुछ डायग्राम ये वाला मिल गया और आपको इस डायग्राम से बी और एच की वैल्यू निकालनी है आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं डायग्राम आपका बन गया आपको समझ में आ गया आइए क्वेश्चन की तरफ अब कुछ यही डायग्राम है हम लोगों के पास और हमें बी और एच की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ ट्रैंगल बी को और साठ की मदद से एच और बी के बीच में रिलेशन पता कर लेता हूँ तो साठ के लिए इस साठ के लिए एच क्या है परपेंडिकुलर और इस साठ के लिए ये बी क्या है बेस और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है टेन तो इसका मतलब टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी हो गई रूट थ्री और डी की वैल्यू कितनी हो गई एच और बी की वैल्यू कितनी हो गई बी परपेंडिकुलर डी है बेस मेरा बी है किसके लिए सिक्सटी के लिए और टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री तो आपको यहाँ से मिल गया एच इक्वल टू बी रूट थ्री ये आपको एक चीज़ मिल गई कि हाइट ऑफ द टावर और ब्रेथ ऑफ द रिवर के बीच में रिलेशन ठीक है क्या रिलेशन मिला h इक्वल टू बी रूट थ्री अब हम हम इससे तो अपना h और बी का आंसर निकाल नहीं पाएंगे तो हमने एक ट्रेंगल और लिया और वो ट्रेंगल हमने कौन सा पकड़ा तीस वाला तो तीस वाला ट्रेंगल मेरा कौन सा है ये क्योंकि नब्बे से ही पकड़ना है एक राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए तो ये हो गया हमारा तीस वाला ट्रेंगल और तीस वाला ट्रेंगल है कौन सा क्या नाम देंगे उसे ट्रेंगल ए डी सी और ट्रेंगल ए डी सी को अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रेंगल ए डी सी में थर्टी मेरा एंगल दिया हुआ है ठीक है तो थर्टी के सामने वाली साइड डी सी कितनी है एच जो मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है थर्टी के सामने वाला डी सी परपेंडिकुलर है और ए सी ये जो मेरा नीचे ए सी है वो मेरा बेस है कोई दिक्कत तो आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर मेरा डी सी है और ए सी मेरा बेस है कौन से ट्रेंगल में ए डी सी में तो टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाय रूट थ्री परपेंडिकुलर मेरे को कितना दिया हुआ है डी सी की लेंथ कितनी है एच ए सी की लेंथ कितनी है बता सकते हैं आप मुझे तो आप बोलोगे सर ट्वेंटी प्लस बी क्योंकि ए सी की पूरी लेंथ कब निकलेगी ए बी और बी सी को जोड़कर तो ट्वेंटी प्लस बी आपको मिल गया कोई दिक्कत एच इक्वल टू बी रूट थ्री मिला है और वन बाय रूट थ्री इक्वल टू ट्वेंटी प्लस बी मिला है आइए अब हम इन्हीं दोनों क्वेश्चन को देखते हैं वन बाय रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन ट्वेंटी प्लस बी मिला है और एक मिला है आपको h इक्वल टू बी रूट थ्री ठीक इस वाले को थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ट्वेंटी प्लस बी इक्वल टू एच रूट थ्री कोई दिक्कत आपको यहाँ मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दिया है अब आपको मालूम है कि मेरे h की वैल्यू बी रूट थ्री है तो मैं बी अगर मैं बी को अलग करूंगा, अगर मैं यहां से दो चीज़ निकालूं, तो आप बोलोगे सर आप अगर बी पुट करोगे तो आपको एच अपॉन रूट थ्री पुट करना होगा तो मैं मेरे को डिवाइड रूट थ्री में करने में हार्ड लगता है तो मैं ये चीज़ न कर कर एच को ही बी रूट थ्री पुट कर देता हूँ देखिए ट्वेंटी प्लस बी और एच की वैल्यू कितनी है बी रूट थ्री और उसके बाद मुझे एक रूट थ्री और दे रखा है वो मैंने लगा दिया तो आपको मिल गया ट्वेंटी प्लस बी इक्वल टू थ्री बी रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो गया ट्वेंटी प्लस बी इक्वल टू थ्री बी तो आपको ट्वेंटी इक्वल टू टू बी मिल जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दस b की वैल्यू कितनी आ गई दस इसका मतलब ब्रेथ ऑफ द रिवर आपकी कितनी है दस तो हाइट ऑफ द टावर कितना होगा या हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा देखिए मैंने इसी के अंदर पुट कर दिया ए, बी की जगह अगर मैं 10 पुट कर दूं तो टेन रूट थ्री जो आएगा वो मेरी आएगी हाइट ऑफ द ट्री और मेरा बे ऑफ द रिवर कितना निकला था 10। यही आपका क्वेश्चन है चाहे तो आप देख लीजिए देखिए 10 और टेन रूट थ्री और आपको मालूम है मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि अगर आपको आंसर टेन रूट थ्री आ रहा है तो रूट थ्री को आप वन पॉइंट सेवन थ्री पुट कर दीजिए आपको सेवनटीन पॉइंट थ्री मिल जाएगा और सारा चीज़ मीटर में दिया हुआ है हाइट वाइट में हमेशा मीटर लगा के ही आंसर लिखना है नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर का नंबर आपको नहीं मिलेगा आपको समझना है हाइट एंड डिस्टेंस अगर बोला गया है तो हर आंसर के बाद कोई ना कोई एक यूनिट लगी रहनी चाहिए ठीक है तो आइए आप आगे के लेक्चर में ज़रूर बढ़िएगा आपको अच्छे से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ जाएगा और इसके ऊपर एक छः नंबर का या पाँच नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ामों में भी आता है कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भी आता है हर जगह आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो मैं मे, मेरी ये उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अगला लेक्चर अगर आप देख लेंगे इसी हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट का तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ठीक है तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद